दोस्तों, दिल्ली सरकार आज अपना नौवां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया। हालांकि इससे पहले मनीष सिसोदिया बजट पेश करते थे। कैलाश गहलोत ने कहा कि यह बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित कर रहा हूं। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में कुछ बुनियादी कामों को किया है जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बना सिग्नेचर ब्रिज और सराय काले खाक पर काम पिछली सरकारों के दौरान लटक रहे हैं, मगर हमारी सरकार ने इसे पूरा किया। गहलोत ने कहा कि आश्रम फ्लाईओवर का काम हुआ है, इससे रोजाना 4 लाख वाहनों का आवागमन सुगम हो गया है। कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था। पिछले 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 390 किलोमीटर हो गया है। स्टेशन 286 हो गए हैं। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में वृद्धि हुई है। 2021 से 2022 के बजट में सरकार ने आजादी के 75वें सालगिरह मनाने के लिए तिरंगा लगाने का वादा किया था, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। अभी भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। आने वाला वर्ष दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के तौर पर पेश करेगा। जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में PWD ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सबके आशाओं और अपेक्षाओं का भी है। बजट तैयार करते समय सर्वे भवन्तु सुखिनः को ध्यान में रखा गया है। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली में PWD की 1400 किलोमीटर की सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। सड़क नेटवर्क की मशीनों से सफाई और धुलाई होगी। 26 नए फ्लाईओवर बना रहे हैं। तीनों कूड़ों के पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा रहा है। MCD के साथ उन्हें खत्म करने के लिए काम करेंगे। 21,000 करोड़ रुपए का बजट इन सब के लिए रखा गया है। दिल्ली का GSDP मौजूदा बढ़कर 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यह पिछले वित्त वर्ष से 15% ज्यादा है। रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7% रहने की संभावना है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है। यह सभी राज्यों से तीसरे स्थान पर है। 8 साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है। दिल्ली में आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 10,47,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल खड़े किए। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को 6400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि 325 करोड़ रुपए जो अब तक मिल रहे थे वह भी शून्य कर दिया गया है। कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि GST के कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपए तक होने की आशंका है। इसके कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने की आशंका है। हमारी केंद्र से अपील है कि 5 साल तक मुआवजा जारी रखें। लोकल बॉडी को हमारी सरकार 8241 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी।
साफ सुंदर दिल्ली के लिए हमारा कंप्रेसिव प्लान है। कैलाश गहलोत ने कहा कि यूरोपीय तर्ज पर हमने 8 किलोमीटर की 16 सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट पर ठीक करने का काम शुरू किया था। ये काफी सफल रहा। लोधी रोड, राजघाट और मोतीबाग के इन सड़कों की तस्वीरें आपने देखी होगी। हमने बजट की कई योजनाओं को G20 के अनुसार प्लान किया है। 1400 किलोमीटर की सड़कों का सौंदर्यकरण, विभिन्न हिस्सों में 26 फ्लाईओवर, 3 डबल डेकर फ्लाईओवर, 1600 इलेक्ट्रिक बसें, 57 डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन, 3 विश्व स्तरीय बस डिपो, 2 आधुनिक बस टर्मिनल, 9 नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर, साफ यमुना के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान और तीनों कूड़ों के पहाड़ को खत्म करना शामिल है। इन्हें 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि 2023-24 के बाद एक सड़क या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा हो। जो एजेंसी काम करेगी उसका ही जवाबदेही मेंटेनेंस की होगी। PWD की सड़कों पर धूल जमा ना हो, इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी। इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्क्रीपिंग मशीनें खरीदी जाएगी। 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्क्रीपिंग मशीनें भी तैनात की जाएगी। ये प्रोजेक्ट 10 साल का है और इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है। नए फ्लाईओवर के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूँ। 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहाँ ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियाँ चलेगी। इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूँ। सड़कों पर पुलों से जुड़े स्क्रीन के लिए 3,126 करोड़ का प्रस्ताव है। दिल्ली में 16 सड़कों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट की सफलताओं के आधार पर दिल्ली सरकार ने PWD के तहत 1400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड और सौंदर्यकरण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। इन सड़कों को दिल्ली की पहचान के रूप में जाना जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी सड़कों का अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट जितना भी हमने ये प्लान किया, मुझे बताते हुए वाकई में खुशी हो रही है कि जितना भी ये अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण वित्तीय वर्ष 23-24 में पूरा कर लिया जाएगा। 1400 किलोमीटर सड़कों को पूरा इस प्रकार से रिवैम्प करना, इसमें जो फुटपाथ भी है और मेन रोड भी है, उसको पूरा हम अगले वित्तीय वर्ष 23-24 में पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य इन सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाना होगा।